बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर एंड दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से सिर्फ एक चार्ज की वैल्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, और उसके मुताबिक आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्यूट कर सकते हैं। और इसी वजह से जो गॉसेस लॉ है, इट बिकम्स अ मोर जनरल वे टू ट्रीट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू द न्यूटन एज कम्पेयर टू द कूलम्स लॉ। तो इस हवाले से हमने ये भी पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि जो गॉसेस लॉ है इज ए मोर जनरल फॉर्म एज कम्पेयर टू द कूलम्स लॉ। सो इन बातों के साथ ही हम अपने इस टॉपिक को पढ़ेंगे। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 PHY 401 BS Physics third semester evening fall 2021. So in the last lectures we have discussed about the chapter number 3 of HRK, और इसके अंदर हमने सबसे पहले फ्लक्स को एस्टिमेट किया था, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बात की थी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्लक्स फ्रॉम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से बात की। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशली हाउ वी कैन मेक एन पर्टिकुलर लॉ अबाउट द फ्लक्स और जो चीज़ों को आसान कर सके। तो वी टॉक अबाउट गॉसेस लॉ, देन वी डिस्कस अबाउट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, हमने इसकी मैथमेटिकल डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म के ऊपर बात की, एंड देयर बेसिक रिक्वायरमेंट के गॉसेस लॉ के लिए जो बेसिक स्टेप चाहिए, रिक्वायर चाहिए चीज़ें वो पता होनी चाहिए। देन वी ऑल्सो शो दैट द गॉसेस लॉ इज द मोर जनरल फॉर्म एज कम्पेयर टू द कूलम्स लॉ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो विल गोइंग टू अप्लाई द गॉसेस लॉ टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फॉर थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट रिवाइज द गॉसेस लॉ फर्स्ट। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मैथमेटिकली वी कैन से दैट कि आपके पास जो टोटल फ्लक्स होता है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फाई ई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज बेसिकली द इनक्लोज्ड चार्ज इन द बॉडी एंड एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री सरफेस। एंड अगर आप इसी को इंटीग्रल फॉर्म में करना चाहते हैं फॉर द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, तो आपके पास क्या हो, वी हैव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इज द क्लोज इंटीग्रल, और ये आपके पास ई डॉट डी ए, और ये आपके पास जो इनका फ्लक्स होगा। तो उस हवाले से आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ज़्यादातर इक्वेशंस के अंदर हम यही इस्तेमाल करेंगे बिकॉज वी आर वर्किंग इन द कंटेंट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस हवाले से आपके पास जो है इसी के मुताबिक हम वैल्यू को चलाएंगे। सो एज वेल एज यू कैन सी हियर कि जब भी आपके पास कोई कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल होगी तो उसके अंदर जो टोटल चार्ज होगा, अगेन वी विल स्टडी दैट कि अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज है तो ओवरऑल जो नेट रिजल्ट होगा, फ्लक्स होगा, वो आउटवर्ड होगा। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज नेट रिजल्ट के तौर पर है तो आपका जो फ्लक्स होगा वो इनवर्ड होगा। अगर आपके पास जो चार्ज है वो ज़ीरो होगा तो ओवरऑल जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ द चार्ज इज मैटर वेरिएबल। तो जो चार्ज की वैल्यू होती है वो बहुत मैटर करती है। आइदर अगर पॉजिटिव होगा तो याद रखें हमारा जो फ्लक्स होगा वो आउटवर्ड होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फ्लक्स इनवर्ड होगा, और अगर नेट चार्ज ज़ीरो होगा तो ओवरऑल बॉडी का जो फ्लक्स, जो आपके पास फील्ड का फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो हमें किसी भी गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है वो तीन हैं, और वो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो वो होगा सबसे पहला, डिसाइड विच टाइप ऑफ सिमेट्री बेस्ट कम्प्लीमेंट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या आपने एक सिमेट्रिकल से ऑब्जेक्ट लेना है जो उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर सके। दूसरी बात, आपने जब भी गॉसेस लॉ प्लान अप्लाई करना है तो इट इज़ ऑलवेज फॉर द क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स या क्लोज सरफेसेस। तो याद रखिएगा हमने लास्ट लेक्चर में गॉसियन सरफेस और क्लोज सरफेस और ये सिमेट्री की बात डेफिनेशंस प्रॉपरली पढ़ी है। तो उस हवाले से आप ड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी सरफेस
जो गॉसियन सरफेस हो सकती है जो कि हाइपोथेटिकल होती है, नॉन रियल होती है, रिफ्लेक्टिंग द सिमेट्री यू चूज अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर। तो उस वाले से आप जो है उसको देख सकते हैं कि आपके पास एक गॉसियन सरफेस से नहीं हमने, और वो कोई भी शेप हो सकती है जो कि सिमेट्रिकल हो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके मुताबिक। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने फिर उसके बाद गॉसियन लॉ को अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के साथ साथ फिर आप उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यही स्टेप रखें तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन सी ज्योमेट्री लेने जा रहे हैं और उसके मुताबिक ये आपको आंसर देगा। तो आइए देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपके पास वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके लिए आपके पास जो होगा गॉसियन लॉ किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका बड़ा सिंपल सा हल ये है कि हमारे लिए जब वन डायमेंशन की बात की जाएगी तो हमने आसानी के लिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेना है। हमने एक यूनिफॉर्म थिन वायर को लिया है जो कि एक बिल्कुल लाइन की तरह बिहेव कर रही है, एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर वायर, और इसके ऊपर सारी जगह हमने सपोज कर लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमने इस वायर को मुकम्मल तौर पे एक ऐसी शेप को लेना था जो कि क्लोज फॉर्म में होती और इस वायर के मुकम्मल इफेक्ट जो सिमेट्री के मुताबिक रहती। तो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है, एक्चुअली वी टू का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों ली है? बिकॉज सिलेंडर की ये खूबी है कि वो अलोंग दी लेंथ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो जिस तरह ये जो लाइन है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, इन द सेम वे आपके पास क्या होगा, ये जो सिलेंडर है इट कुड बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो उस वाले से वी आर टेकिंग द इन्फिनिट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एट दैट पर्टिकुलर वे आप देख सकते हैं कि जो गॉसियन सरफेस इज लोकेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर लेंथ, और वो लेंथ आपके पास सिलेंडर की लेंथ है, दैट इज द एल। तो आप इससे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो वो ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है। तो थ्रू आउट द सिमेट्री जो है वो पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप उस हवाले से भी इस लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फील्ड कैसा होगा। फील्ड जो है वो आउट साइड ऑफ द वायर और कैन अप्लाई ऑल पॉइंटेड ओनली रेडियली आउटवर्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो हर जगह पे आपके पास जो फील्ड होगा इट इज रेडियली आउटवर्ड होगा और इट विल बी लाइक दिस फॉर्म। तो हर जगह ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आउटवर्ड की तरफ फ्लो करेगा। हर्ट्स मीन देयर फॉर द डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस ऑफ द वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि इसका मतलब ये है कि इफ़ वी आर क्लोजेस्ट टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा फील होगा हमें, इफ़ वी आर अवे फ्रॉम द वायर देन आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम महसूस होगा हमें। तो इट्स मीन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एज यू मोर क्लोजर टू द वायर you will feel more stronger electric field, as you're more away from the wire you will feel weaker electric field. So in this way sabse pehle we will estimate that ki aapke paas jo linear charge density hai wo kitni hai. So the linear charge density will be accommodated as the charge per unit length. So we are taking here q over l. So l is the length of the wire, जितना चार्ज को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उस वाले से आपके पास ये लेंथ ऑफ द वायर आ जाएगी जो ये शो कर रहा है कि इट्स अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं, हमने एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले ली हुई है जो सिमेट्री के तौर पे है, फिर हमने इसके ऊपर गॉसियन सरफेस को ड्रा कर लिया हुआ है। अब आपके पास जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी पता है, आप इसके ऊपर गॉसियन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। द गॉसियन लॉ जो है वो इस तरह से ये जो रेक्टेंगल शेप बनी है इट्स ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम वे कि आपके पास यहाँ पर इंटेग्रल होता है उसके पास सर्कल डालते, इट इज़ शोइंग द सेम वे कि ये आपके पास क्लोज इंटीग्रल है और वो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज द चार्ज इन क्लोज इट है। तो उस वाले से आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू जो है आप अगर इसको यहाँ से रीअरेंज करें तो ये आपके पास आ सकता है सिग्मा एल इज इक्वल टू क्यू आ सकता है, और इसी तरह से
यू कैन कंप्यूट हेयर कि ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं. दूसरा जो है द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जी? अगर आप देखें तो सरफेस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स. वी हैव हेयर 2πr. वो तो एरिया विल बी इक्वल टू, यू कैन कंप्यूट हेयर इट इज इक्वल टू द 2πr. ये h के इक्वल आ जाएगा. इट्स अ डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द एरिया. ये किस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है? वेरी सिंपल वे. इसको कंप्यूट करने का तरीका का जो है वो हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है. और जब आप इसको इन दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट करते हैं तो यू विल गेट हेयर e इज इक्वल टू 2πr एंड दिस विल बी इक्वल टू द h. h इज बेसिकली द लेंथ. तो उस वाले से सिलेंडर की लेंथ है ये 2πr. तो आपके पास ये जो इक्वेशन है ड्रॉ की जा सकती है, लिखी जा सकती है e इज इक्वल टू तो डी ए, उसकी जगह आप लिख सकते हैं 2πr. तो इट्स एल, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सारे एक्सप्रेशन को. तो आप जो है रादा से भी कर सकते हैं इसको सिग्मा एल, और इनको रीअरेंज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर आ जाएगी और एल से एल कट जाएगा. यू विल गेट हेयर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये इक्वेशन नंबर में पुट करें तो इन इक्वेशंस को दोनों को यहाँ पे पुट करने से आपके पास ये इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन से ये रीअरेंज हो गया और इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो यू विल गेट द रिजल्ट है. तो ये आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा जो कि बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. सो इस तरह से आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वन डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं. सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दी टू डिमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए काम करना चाहते हैं, देन द सिचुएशन विल अगेन वेरी सिंपल. यू हैव टू टेक अ इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, और उस हवाले से आपने इस इन्फिनिट चार्ज की शीट को लेना है. सबके ऊपर हमने सपोज किया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है और उस हवाले से आपके पास, तो उस हवाले से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है एक इन्फिनिट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो टोटल फ्लक्स है ये दोनों तरफ क्या निकल रहा है जी? आउटवर्ड है. और उस हवाले से आपके पास टोटल जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो आउटवर्ड फ्लो कर रही है. तो आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. नाउ फॉर दिस टाइम वी अगेन टुक अ सिमिलर गॉसियन सरफेस जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म की तरह की थी, और हमने एक सिलेंडर लिया. और इस गॉसियन सरफेस का मकसद ये था कि ये जो है थ्रू आउट द एरिया, क्योंकि ये फ्लक्स की सिमेट्री रहे बरकरार, तो इस वाले से लिया गया इसको. तो एज यू कैन सी द फील्ड ऑफ इन्फिनिटली लार्ज कंडक्टिंग प्लेट के हिसाब से इसको हम ले रहे हैं. यू कैन से इट एज इन्फिनिटली लार्ज, यू कैन से द इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं आप इसको. तो उस वाले से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है. सो किसी भी चार्ज शीट के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किस तरह से कंप्यूट की जा सकती है? इट विल बी इक्वल टू द सिग्मा क्यू ओवर ए. तो दिस विल बी नोन एज सिग्मा क्यू ओवर ए लिया जा सकता है. एंड अकॉर्डिंग टू द कूल अपना गॉसियन लॉ वी कैन अप्लाई है ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट. तो उस वाले से आपके पास जो है ये चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से आ जाएगा. अगर आप इसको यहाँ से रीअरेंज करते हैं तो Q विल बी इक्वल टू सिग्मा ए बन जाएगा. एंड और इसको अगर आप रीअरेंज करने के बाद अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसके तीन रीजन बनते हैं. दैट यू कैन से द फर्स्ट रीजन, दैट इज द सेकंड रीजन, एंड दैट इज द थर्ड रीजन. तो इन तीनों रीजन्स की हम अलग-अलग से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं. फॉर दिस रीजन, रीजन नंबर वन, हमारे पास जो सिचुएशन है इसके अंदर आपके पास जो होगा इट्स बेसिकली द एरिया, यू कैन से द पाई आर स्क्वायर टाइप. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू जस्ट हैव परपेंडिकुलर ई ए प्लस सेकंड रीजन के लिए फ्लक्स जो है वो जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है इस रीजन के लिए. सिमिलरली फॉर द थर्ड रीजन वी हैव अगेन द सिमिलर ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट. वी हैव द सेम रिजल्ट. तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. इन दोनों को ऐड करने से वी विल गेट टू ई
ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है दोनों तरफ ए कॉमन है कट जाएगा और ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले से आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप ये टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उस वाले से हमारे पास जो है टोटल वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर द इन्फिनिट चार्ज ऑफ शीट निकाली जा सकती है और वो आपके पास आ जाएगी सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। सिमिलरली जिस तरह हमने टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया इसी तरह से हम थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। और इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमने एक कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सफ़ीयर को लिया हुआ है और उस सफ़ीयर का जो वॉल्यूम है वो हमें पता है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो भी पता है और उससे हम क्या निकाल रहे हैं उसकी सरफेस अपना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं और दिस रो विल गिव यू द वैल्यू एज क्यू इज इक्वल टू रो वी। सो दिस रो एंड इट्स वी will give you the charge on the sphere। तो उस वाले से आपके पास जो है हम अगेन इसी के ऊपर कोलम्स ला लगा सकते हैं। यू कैन सी हेयर फॉर दिस टाइम वी टुक अ गॉशियन सफियर और ये किस सरफेस की तरह के लिया हुआ है वी आर टेकिंग हेयर सफियर टाइप सरफेस। तो आपने इस गॉशियन सफियर लिया हुआ जिसका रेडियस जो है वो आर है और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर हम इसको चेक करना चाहते हैं एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस इज आर और ये आपके पास आर वेक्टर के आर आर पोजीशन के ऊपर हम इसको नोट डाउन करना चाहते हैं। वेरी सिंपल एप्सिलॉन नॉट ई ई बेसिकली सबके लिए कांस्टेंट है एक जैसा है तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है और इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो किसी भी सफियर का जो सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4πr², तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और इसको पुट करने से वी विल गेट एप्सिलॉन ई 4πr² आ जाएगा क्यू और क्यू की जो वैल्यू है यू कैन पुट हेयर दैट इज द रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो उस वाले से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बिकम हेयर एज ई इज इक्वल टू 1/4πε₀ एंड क्यू की जगह आप लिख सकते हैं रो वी ओवर आर स्क्वायर। तो आप इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर द स्फीयर वो कंप्यूट कर सकते हैं और यूं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने एप्लीकेशन और गॉसियन लॉ को हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स पे नहीं बल्कि हम स्पेशल थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि शेल की फॉर्म में है उन पे भी अप्लाई करेंगे और शेल को अप्लाई करने के बाद वी विल मेक सम शेल थ्योरम्स। जैसा कि आपने ग्रेविटेशन के लिए बनाए हुए हैं वैसा ही हम गॉसियन लॉ के लिए भी क्या करेंगे शेल थ्योरम्स को रिलेट करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो है वो फ्लक्स की तरह होता है जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी तरह आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी फील्ड फोर्सेस हैं ये भी फील्ड फोर्स है। तो जिस तरह वहाँ पे शेल थ्योरम होते थे दो थ्योरम आप पढ़ते थे इसी तरह हम यहाँ पे भी दो थ्योरम पढ़ेंगे शेल थ्योरम के बारे में और उस वाले से हम इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एट डैट। उसके बाद इंशाल्लाह हम गॉसियन लॉ और कंडक्टर्स के ऊपर भी स्टडी करेंगे चीज़ों को और उसको भी करने की कोशिश करेंगे। जी मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो और कोई इशू हो डिस्कशन करनी हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन के ज़रिए से ये सब कुछ कर सकते हैं जूम मीटिंग के ज़रिए से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चन और डिस्कशन को कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।